रवि उज्ज्वल प्रज्वलित गगन में, प्रज्वलित गगन में गगन में गगन में रवि उज्ज्वल प्रज्वलित गगन में कण क्रांकित मोर जय मंगल जय घोष गगन का जय घोष गगन का शुभ उत्सव चहुओर बादल बरस अब मौन भये बादल बरस बादल बरस अब मौन भये वाह मीनल, वेरी गुड। आप तो हमेशा से ही अच्छा ही गाती हो, है ना? बस आपके लिए एक छोटी सी राय है, क्योंकि इस तरह का गाना ये आपने पहली बार मैंने आपका सुना, इस तरह के पहले सॉन्ग कभी आपने लिए नहीं, है ना? ये फर्स्ट टाइम आपने इस तरह के क्लासिकल कोशिश करी गाने की, तो इसमें बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि गाने में ना एफर्ट दिखना नहीं चाहिए, एफर्टलेस होना चाहिए गाना। तो आप आपके गाने में वो कष्ट दिख रहा था कि आप थोड़ा सा ताकत लगा रही हो, गा रही हो, और अंतरे में क्या हो गया था कि काफी फ्लैट हो गई थी सिंगिंग, सुर उतर रहा था। अच्छा। और फिर उसके बाद अंतरे में जब आपने ऊपर आलाप लिया, वो बहुत परफेक्ट लिया, बहुत ही अच्छा गाया। मतलब गाना गाने में कमी कुछ नहीं है आपके, लेकिन क्या हो रहा था कि ऐसे ताकत लग रही थी। आप कोई मुश्किल बंदिश गाते हैं ना, बहुत आसानी से गानी चाहिए। अब मैं गा के सुना रहा हूँ आपको, अब ये भी सेम अब कितनी मुश्किल बंदिश है, लेकिन मैंने ऐसे गाया। और मैं यही चीज गाना ये भी सही है, लेकिन इतना इतनी तकलीफ क्यों जब सीधे से गा सकते हो आप गाने को, तो कष्ट नहीं करना है। जितना जितना सिंपल बना के आप बंदिश को गाओगे, आप बंदिश बहुत मुश्किल ली आपने। आपको एक काम और करना है, आप रात को ना सोते समय और सुबह जागने के बाद 5 मिनट रोज सोते समय आप तानपुरा सुनिए, जो भी आपका सा है,
बी से आप गाती हो या सी से गाती हो, वो तानपुरी की सा को आपको सुन के सोना है, उसके साथ गाना नहीं है आपको गाना। तो आप ये देखेंगे, एक महीना आप ऐसा करेंगे ना, तो लाइफ से ना कंसुरापन हट जाएगा। देखो बेसुरा व्यक्ति होता है ना, उसको सुर में ला सकते हैं, कंसुरे को लाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो सुर आपको दिमाग में रजिस्टर हो रहा है वही तो गले से निकल रहा है। तो दिमाग में सुर का बराबर रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप तानपुरा, आप सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ कि तानपुरे को सुनने की आदत डालिए। मोबाइल पे तो ऐप में तानपुरा रहता ही है, सिर्फ सा को 5 मिनट सुनिए, सुबह उठने के बाद 5 मिनट सुनिए, उसके साथ गाइए मत। देखिए एक महीने में आपका गाना कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। बाकी आपने बहुत अच्छा गाया, मुझे तो आपकी गायकी वैसे ही पसंद है मीनल। थैंक यू सो मच। बाकी थैंक यू तुलसी जी सर, बताएंगे। थैंक यू सो मच संजय जी। आई थिंक संजय जी ने बता ही दिया, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप एफर्टलेस तरीके से गाएंगी तो एज एन ऑडियंस आप जो भी गा रही हैं वो ऑडियंस एंजॉय करेगी। जी अगर वो जरा सा भी एफर्ट दिखेगा, चाहे वो क्लासिकल सॉन्ग हो या फिर कोई फिल्म का गाना हो, जरा सा भी एफर्ट दिखता है तो एक जो कनेक्ट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है एज एन ऑडियंस। सो ओके ओवरऑल यू वर वेरी गुड। ऑफ कोर्स जो संजय जी ने टिप दी, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर यू बट सभी एस्पायरिंग सिंगर्स को वो फॉलो करना चाहिए कि तानपुरा सोते वक्त सुनो और उठते ही फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जो भी आपका स्केल है। एंड या आई थिंक यू वर वेरी गुड, ऑल द थैंक यू बेस्ट। सो मच।